बिना मानक के सड़क पर दौड़ती स्कूल बसों पर एआरटीओ आटो की बड़ी कार्यवाही, कई बसों के किए चलान, कई को किया सीज। फिरोजाबाद जनपद में कॉन्वेंट शिक्षा के नाम पर अभिभावकों की जेब पर डाका डालने वाले प्राइवेट स्कूल नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बिना फिटनेस के वाहन सड़क पर दौड़ा रहे हैं। छोटे छोटे छात्र छात्राओं के जीवन से खिलवाड़ कर मनमानी फीस वसूलते हैं। वाहन में क्षमता 20 से 25 की है और बच्चे बिठाए जा रहे 35 से 40। इसको लेकर बस चालकों की नजर में न कोई नियम है, न कोई कानून, न ड्राइवर पर ड्राइविंग लाइसेंस। आज सुबह शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन रोड पर ऑटो राजेश कुमार करदम चेकिंग ने चेकिंग अभियान चलाया और कई वाहनों का चलान किया। कुछ वाहन सीज किए गए और स्कूल बस चालकों को चेतावनी भी दी गई थी, अगर वह पूरे नियम के हिसाब से बस नहीं चलाएंगे तो फिर से उनकी बस को सीज कर दिया जाएगा। की गई है क्या है? सामान्यतः स्कूल बसों की चेकिंग की जा रही है और स्कूल बसें जो चेक कर रहे हैं, जो वर्तमान व्हीकल है इसमें एक तो नंबर प्लेट ठीक से नहीं लगा हुआ है, देख लीजिए आप, जो इस पर लगना था, क्योंकि एक नंबर प्लेट अब अलग से आने लगी है, उसको हाई रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी प्लेट जो प्रत्येक व्यावसायिक वाहन में लगाना बहुत जरूरी है। ना इस गाड़ी पर बीमा है, ना परमिट है, ना फिटनेस है, और 14 अगस्त बच्चे बिठा रहे हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है सर यहाँ पे? गाड़ी अभी चालान कर दिया है, लगभग मेरे ख्याल में अभी लास्ट अमाउंट कितना आ रहा है इसका, इस गाड़ी पे पैसे आ रहा है 20,000 आ गया।